साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ग्लोबल मीडिया में 2009 से लेकर अब तक चीन 55,000 करोड़ रुपए निवेश कर चुका है और जिन जिन देशों के मीडिया संस्थानों में चीन की सरकार का पैसा लगा है वो सभी मीडिया संस्थान आजकल चीन की भाषा बोलते हैं और चीन के लिए सुपारी किलर का काम करते हैं। इनमें अफ्रीका के देश हैं, इनमें अमेरिका के भी कुछ बहुत मशहूर पत्रिकाएं और अखबार शामिल हैं जो चीन से पैसा ले रहे हैं अलग अलग चीजों के नाम पर। कोई ग्रांट्स के नाम पर पैसा ले रहा है, कोई विज्ञापन के नाम पर पैसा ले रहा है। अमेरिका की टाइम मैगजीन में चीन ने वर्ष 2016 से 2020 के बीच लगभग 6 करोड़, फाइनेंशियल टाइम्स में 3 करोड़, लॉस एंजलिस टाइम्स में 8 करोड़ रुपए निवेश किए और चीन इन सभी देशों के मीडिया संस्थानों, अखबारों और न्यूज पोर्टल में इसलिए निवेश कर रहा है ताकि उसे लोगों की नजरों में विलेन से हीरो बनाया जा सके।